Assalamualaikum students, welcome once again to our YouTube channel Yunani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMS MD in Muladhia from AKTC MU Aligarh. Now I am working as assistant professor in Dr. Abdul Ali Tibbiya College and Hospital. स्टूडेंट्स हम इस टाइम पढ़ रहे हैं प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने एनिमल ओरिजिन ड्रग्स मिनरल ओरिजिन ड्रग्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. प्लांट ओरिजिन ड्रग्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम जीम की दवाइयाँ. तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जुंतियाना के बारे में. जुंतियाना का बॉटेनिकल नेम है जेंशियाना लूटिया. जुंतियाना के कई मुतरादिफ नाम हैं, जैसे इसको पखान बेद कहा जाता है और इसका एक मुतरादिफ नाम ये भी है कि इसको दवाउल हैया कहा जाता है. हैया कहते हैं अरबी में सांप को. और क्योंकि ये जो जुंतियाना है ये सांप के काटने में काफ़ी इसका अच्छा इफ़ेक्ट है सांप के काटने में. इसको पेस्ट बना के लगाया जाता है, लोकली अप्लाई करते हैं जहाँ पर सांप ने काटा हो तो उसके जहर को ये दूर करती है. इसलिए इसको दवाउल हैया भी कहा जाता है, यानी सांप की दवा. आइए इसकी माहियत भी जानते हैं. तो जुंतियाना क्या है ये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में ब्राउनिश कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की आपको दिख रही है. ये दरअसल जड़ है, ये एक पौधे की जड़ है. इसका पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, छोटे छोटे इसके पौधे होते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में. येलो येलो कलर के इस पर फूल आते हैं. ये इसकी जड़ होती है, सुर्खी माइल होती है ये. और इसके मज़े की बात करें तो इसका मज़ा पहले तो शीरी लगता है लेकिन फिर नहायत ही ज़्यादा तलखी लगने लगती है. अगर इसको हम ज़बान पे रख के देखें तो इनिशियली इसका एकदम स्वीटनिंग टेस्ट लगेगा लेकिन बाद में वो बिटर टेस्ट हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा. और इसमें ख़ास किस्म की बू भी पाई जाती है. इसके पौधे ख़ास तौर पर रोम में पाए जाते हैं, इसलिए इसको जुंतियाना रोमी भी कहा जाता है. मिजाज है इसका गर्म खुश्क, हॉट एंड ड्राई. अफ़ाल है इसका मेन एक्शन यही है, तिरियाख समूम हैवानिया, यानी कि तिरियाख कहा जाता है जो जहर के असर को ख़त्म करती है. समूम हैवानिया यानी कि जो एनिमल पॉइजन्स होते हैं ये उनका एक तरह से एंटीडोट है. ये यही इसका मेन एक्शन है. और मुद्रे बॉल व हैज़ ये दोनों इसके मेन एक्शन हैं, यानी ये डायूरेटिक है. मैं एतबार से बॉल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एतबार से हैज़ में. और इसके बाकी एक्शन ये मुकव्य मैदा भी है, मुकव्य आसाब भी है, लेकिन मेनली हम इसको तिरियाक समूह हैवानिया और मुद्रे बॉल व हैज़ एक्शन के लिए ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे. अब इसके इस्तेमाल जान लेते हैं, कहाँ हम इसको इस्तेमाल करेंगे. तो जैसा कि ये मुद्रे बॉल व हैज़ है इसलिए हम इसको एहतिबासे बॉल में व हैज़ में, यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर किसी को है, पेशाब रुक गया है किसी वजह से, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं. और एहतिबासे हैज़ में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर किसी वजह से रुक गई है, फिजियोलॉजिकल कॉज के अलावा कोई पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से अगर रुकी है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं. ज़ोफ़ मैदा में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं क्योंकि ये मुकव्य मैदा एक्शन भी रखती है अपने अंदर. और एतबार से बॉल व हैज़ और ज़ोफ़ मैदा में हम इसको इंटरनली इसको हम इस्तेमाल कराएंगे, लेकिन जो इसका थर्ड यूज़ है जहरीले जानवरों के काटने में, हम इसका पेस्ट बना के ज़िमात के तौर पर हम इसे लोकली लगाते हैं. जिस जगह जानवर ने काटा हो वहाँ इसको लगाया जाता है. मकदार खुराक इसकी 1 से लेकर 2 ग्राम तक है. और कीमियावी अज्जा केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात की जाए तो इसमें कई अल्कलॉइड पाए जाते हैं, जैसे इसमें जेंशियानिन नाम का अल्कलॉइड पाया जाता है जो इसके बॉटनिकल नेम से ही आपको याद रहेगा. और इसमें जेंशियानिक एसिड भी पाया जाता है और इसमें पेक्टिन पाया जाता है. मुज़िर असर इसका यह है कि इसको खाने के बाद मरीज़ को नौसिया वोमिटिंग का एहसास होने लगता है. मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसे क़ै आने वाली है और बाज़ औक़ात मरीज़ को क़ै हो भी जाती है. ये इसका एक मुज़िर असर है, एडवर्स इफ़ेक्ट है. इसलिए हमें क्या करना है, जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन हैं उनमें हमें
जुंतियाना का इस्तेमाल नहीं कराना है। इसका मुसले है कंद्रियून, कंद्रियून एक दवा होती है जो इसका मुसले के तौर पे हम इसको साथ में दोनों को इस्तेमाल करा सकते हैं। मशहूर मुरक्कब है इसका तिरियाक़ अरबा, तिरियाक़ की जहरों के असर को दूर करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसका मशहूर मुरक्कब है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।